जहाँ राम का जन्म हुआ था। आप नारा लगा रहे थे कि मंदिर वही बनाएंगे। राम जन्म स्थान के साथ हमारी जय पराजय जुड़ी हुई है। जो मंदिर के पहले विरोधी थे वो भी अब कहने लगे हैं कि अयोध्या में मंदिर तो बनना चाहिए। बाबर वहाँ आते हैं, उसके कोई सूबेदार उस मंदिर को गिरा करके मस्जिद बनाते हैं, तो ये मंदिर मस्जिद का झगड़ा नहीं, ये भारत के विजय पराजय का झगड़ा है। मैं लाल कृष्ण अडवाणी स्कूल में था या कॉलेज में था कि भारत स्वतंत्र कब होगा, और 47 में भारत स्वतंत्र हुआ, तो 47 में एक ऐतिहासिक क्षण आया। सियासत के दो धुरंधर पुरोधा अपनी अपनी विचारधारा के खाटी। और दूसरी तरफ सोशलिस्ट कर्पूरी ठाकुर। लेकिन एक बात कॉमन है, वो दोनों नेताओं को एक ही साल में भारत रत्न मिलना। कर्पूरी ठाकुर और लाल कृष्ण आडवाणी दोनों अलग अलग विचारधाराओं के प्रतीक हैं। मोदी सरकार ने कर्पूरी ठाकुर को भारत रत्न देने का फैसला किया, तो इस लिहाज से ये काबिले तारीफ है कि विपरीत या स्पर्धी विचारधारा को उन्होंने सम्मान देने की कोशिश की। यूं तो हर साल भारत रत्न मिलते हैं, लेकिन इस बार प्रधानमंत्री मोदी ने एक साथ दो संदेश देश को दिए। एक तो वो अपने सीनियर्स का सम्मान करना बखूबी जानते हैं, और दूसरा विचारधारा बैरियर नहीं। अगर किसी नेता ने देश के लिए कुछ अच्छा किया हो, जिसका उदाहरण है समाजवादी पुरोधा कर्पूरी ठाकुर। आज देश ने हम सबके आदरणीय नेता लाल कृष्ण आडवाणी जी को भारत रत्न देने की घोषणा की है। आज के व्यक्ति विशेष में हम सियासत के इन्हीं दो सूरमाओं की बात करेंगे, समझेंगे दोनों के सियासी सफर को, उनके भारत की राजनीति में योगदान और समाज के प्रति उनके समर्पण को। साथ ही बात होगी पीएम मोदी की उस दरिया दिली की, जो भारत की सियासत में नया परंपरा गढ़ रही है। सियासत में समझदारी भरे फैसले ही किसी को महान बनाते हैं। यूं तो भारत रत्न पाने वाले लाल कृष्ण आडवाणी और जननायक कर्पूरी ठाकुर को सर्वोच्च सम्मान मिला, लेकिन महफिल लूट ले गए प्रधानमंत्री मोदी। क्योंकि जो विरोधी विचारधारा को भी परस्पर सम्मान दे, अपने बुजुर्ग नेताओं का मान रखे, उसे कहते हैं नरेंद्र मोदी। नमस्कार, मैं हूं आपके साथ मेनका चौधरी, और आप देख रहे हैं हमारा खास शो व्यक्ति विशेष, जिसमें सबसे पहले बात होगी भारत रत्न पाने वाले स्टेटमैन लाल कृष्ण आडवाणी की। मंदिर मस्जिद का झगड़ा नहीं, यह भारत के विजय पराजय का झगड़ा है। संघर्ष, सियासत, हिंदुत्व के बड़े पैरोकार। भारतीय सियासत में पहले हार्ड लाइनर, राम के अटूट भक्त। राम जन्म स्थान के साथ हमारी जय पराजय जुड़ी हुई है। सियासत में भी विरासत बचाने की बात करने वाले लाल कृष्ण आडवाणी। अंधेरा छटेगा, सूरज निकलेगा, कमल खिलेगा। It is not just religiosity. They may not be normally very religious, but in their case, it is a strong sense of revulsion against the pseudo-secularism practiced by most political parties. And they say that here is a party at least which does not shy away from saying that yes, if I am a Hindu, I am proud of being a Hindu. सबसे लंबे वक्त तक बीजेपी के अध्यक्ष रहे,
बतौर सांसद 3 दशक लंबी पारी। मैं लाल कृष्ण अडवाणी ईश्वर की शपथ लेता हूं। देश के पूर्व गृह मंत्री और पूर्व उप प्रधानमंत्री यानी हिंदुस्तान की सियासत का एक ऐसा मंझा हुआ खिलाड़ी जिसने बीजेपी को महज 37 साल में शून्य से शिखर तक पहुंचा कर दम लिया। लाल कृष्ण आडवाणी जो भाजपा के शिखर पुरुष है और लॉ पुरुष है, अगर कहा जाए कि वो भाजपा के पर्याय रहे हैं, ये उनकी ही देन थी, उनकी ही उनका ही प्रयास था कि भाजपा का जो शून्य से शिखर तक ले गए। बेहद बुद्धिजीवी, काबिल और मजबूत नेता जिनके अंदर मजबूत और संपन्न भारत का विचार जड़ तक समाहित हो, जिसने किसी भी परिस्थिति में राष्ट्रवाद से समझौता ना किया हो, सियासत की ऐसी शख्सियत हैं लाल कृष्ण आडवाणी। 1980 में भारतीय सियासत में बीजेपी नाम के जिस दल का वृक्षारोपण हुआ, अटल आडवाणी की जोड़ी ने उस पर पहला फल दिया। 1984 में जब 2 सीटें बीजेपी के खाते में आई और महज 4 साल में आडवाणी ने बीजेपी को 86 सांसदों वाली पार्टी बना दिया। 1979 में पालमपुर में कॉन्फ्रेंस हुई थी, उसमें राम मंदिर वाला इश्यू को उठाया गया कि अयोध्या में राम मंदिर बनना चाहिए, और इसका जो फायदा हुआ बीजेपी को कि 89 में जो इलेक्शन हुए थे उसमें बीजेपी की जो संख्या थी 2 से बढ़कर 89 हो गई। भारतीय सियासत का ये पुरोधा अपने रिटायरमेंट के बाद एक बार फिर चर्चा में हो तो इसकी भी एक वजह है। देश ने हम सबके आदरणीय नेता लाल कृष्ण आडवाणी जी को भारत रत्न देने की घोषणा की है। पीएम मोदी ने ट्वीट कर भी उन्हें भारत रत्न मिलने की बधाई दी और शब्दों से आडवाणी के प्रति अपने प्रेम और सम्मान को जाहिर किया। राम के नाम पर देश को एकजुट करने वाला सियासत का ये पुरोधा अब भारत रत्न है। अजात शत्रु अटल जी के बाद ये सम्मान पाने वाला दूसरा नाम बन गए हैं LK आडवाणी। अटल युग में संघर्ष से सियासी व्यूह रचने वाले LK आडवाणी ने अपने राजनीतिक करियर में भी एक बात को अपना मंत्र बना लिया, सनातन संस्कृति और संस्कार। यात्रा, सफर, तीर्थ यात्रा, प्राचीन भारतीय परंपरा के ये शब्द आडवाणी के सियासी सूत्र बन गए। इसने भारतीय राजनीति में एक ऐसी लकीर खींची जिससे आज देश में आधे से अधिक हिस्से में भगवा लहरा रहा है। रथ यात्रा ने राम मंदिर आंदोलन को और धार दी तो भारत उदय यात्रा और जनादेश यात्रा ने बीजेपी की भविष्य की राह को आसान किया। 1990 में जब देश विकट परिस्थितियों से जूझ रहा था, जातिवाद के तत्व एकता और अखंडता को तार तार करने पर तुले हुए थे, तब आडवाणी ने मंडल के बदले कमंडल वाली राजनीति खड़ी कर देश को राम नाम के सूत्र में बांधा। ये वो दौर था जब देश में जात पात के आधार पर सियासी दल समाज को अलग अलग बांटने पर तुले हुए थे, तब आडवाणी जी ने राम मंदिर आंदोलन से राष्ट्र की दबी कुचली भावनाओं को नई जगह ही नहीं दी, बल्कि हमारे देश के उच्च नैतिक आदर्शों को भी पुनः प्रतिष्ठित किया था और उसकी शुरुआत इसी सोमनाथ मंदिर से रथ यात्रा के जरिए हुई। आडवाणी ने अपनी रथ यात्रा एक ऐसे दौर में शुरू की जब लोग दिल्ली में बैठे अपनी सत्ता को जाति और धर्म के बंटवारे से मजबूती देने पर तुले हुए थे, तब बीजेपी का यही पुरोधा रथ यात्रा के जरिए सनातन संदेश जन जन तक लेकर गया। ये एक ऐसी यात्रा थी जो भारत के चमकदार समुद्र तट से शुरू होकर हिमालय की ऊंचाइयों तक गई। ये किसी ईंट पत्थर को जोड़कर एक मंदिर बनाने की यात्रा भर नहीं थी, ये राष्ट्र की भावनाओं से अपने एक पूज्य को उनका सही स्थान दिलाने की यात्रा थी, जिसके शिल्पकार खुद अब के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी थे। उन्होंने हिंदुओं को जगाया कि आपका राम मंदिर है और कैसे इसको बाबरी मस्जिद में तब्दील किया गया है। बीजेपी और बीजेपी के साथ RSS और विश्व हिंदू परिषद
इन सभी संगठनों ने अपनी पूरी ताकत लगाई और हिंदुओं को जागरण का काम किया। भारत की जनभावना को उठाने और विवादित ढांचे के विध्वंस के बाद उन्हें सीबीआई ने आरोपी बनाया, लेकिन उनके हौसले कभी डिग नहीं पाए। 8 नवंबर 1927 को कराची में जन्मे लाल कृष्ण आडवाणी को आजादी के फौरन बाद अपना घर छोड़कर भारत आना पड़ा था। बंटवारे का दर्द वो बचपन में ही झेल चुके थे, लिहाजा बचपन से ही आरएसएस से जुड़कर समाज सेवा और राष्ट्रवाद को जीवन समर्पित करने का फैसला किया। आगे हम उनके इसी सामाजिक और सियासी संघर्ष की कहानी को जानेंगे, जिसमें बीजेपी की स्थापना से लेकर आडवाणी के उप प्रधानमंत्री बनने तक की कहानी है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज 18। कराची में जन्मे, दिल्ली में संघर्ष किया और गांधीनगर को अपनी कर्मभूमि बनाई। 84 के चुनाव में जब बीजेपी को करारी हार मिली तो आडवाणी ही थे जिन्होंने बीजेपी की विचारधारा को राम मंदिर की धार से जोड़ा और ऐसा जन आंदोलन खड़ा किया कि पूरे भारत की सियासत ही बदल कर रख दी। देखिए लालकृष्ण आडवाणी का वो संघर्ष जिसमें बीजेपी के शून्य से शिखर तक पहुंचने की कहानी छिपी है, जिसमें रथ यात्रा आंदोलन के शिल्पी मोदी की कहानी जुड़ी है। लालकृष्ण आडवाणी ईश्वर की शपथ लेता हूं, सितंबर 1947 हिंदुस्तान पाकिस्तान के बीच एक बंटवारे की लकीर के बाद ट्रेन के इंजन की धक धक हर स्टेशन पर सुनाई दे रही थी। तड़पड़ तड़पड़ करती रेल की पटरियां और पटरी के ऊपर दौड़ती ट्रेन जो खचाखच विस्थापितों से भरी थी, ऐसा ही एक विस्थापन झेलते हुए एलके आडवाणी किशोरावस्था में ही पाकिस्तान के कराची से हिंदुस्तान पहुंचते हैं और उनके संघर्ष की शुरुआत भी यहीं से होती है। आजादी आई तो आजादी के साथ साथ विभाजन भी आया, देश के दो टुकड़े हुए, लेकिन इतिहास का विश्लेषण करने वाले इस बात को जानते हैं कि अंग्रेज की कुटिल नीति ने भारत को केवल दो हिस्सों में नहीं बांटा, उनकी चतुराई ने, उनकी कुटिलता ने भारत के विघटन के भी बीज बोए, केवल विभाजन नहीं हुआ। बंटवारे की जिस वजह ने आडवाणी से उनके बचपन की गलियां छीनी, भारत आते ही उन्होंने उसी विचारधारा के खिलाफ शंखनाद कर दिया। सिंध के आडवाणी में भारत आने के बाद परिवर्तन आया और वो आरएसएस के प्रचारक बन गए। सिंध से आए प्रचारकों और वरिष्ठ नेताओं को इसी जोधपुर में इकट्ठा होने के लिए कहा गया ताकि आने वाले दिनों की योजना का निर्माण हो सके। आरएसएस के नेताओं ने सिंध से आए प्रचारकों को निर्देश दिया कि वे बंटवारे के बाद आकर रह रहे लोगों की सहायता करें। यही एलके आडवाणी का सबसे पहला मिशन था। जोधपुर कैंप खत्म होने के बाद लाल कृष्ण आडवाणी को राजस्थान के अन्य इलाकों में भेजा गया ताकि वहां भी पाकिस्तान से लौट रहे लोगों की मदद कर सकें और इस तरह संघर्ष के शुरुआत का एक दशक राजस्थान ही उनकी कर्मभूमि बनकर रहा। पहले प्रचारक के तौर पर और फिर भारतीय जनसंघ के पूर्णकालीन कार्यकर्ता के तौर पर 1957 में आडवाणी को राजस्थान छोड़कर दिल्ली आने के लिए कहा, जिसमें अटल बिहारी वाजपेयी और दूसरे निर्वाचित सांसदों की उन्हें मदद करनी थी। इसके बाद दिल्ली इनके काम और राजनीति का अखाड़ा बन गई। राजनीति में लाल कृष्ण आडवाणी का प्रवेश नगरपालिका से हुआ। पार्टी की संसदीय विंग में काम करने के अलावा उन्हें दिल्ली की जनसंघ इकाई का बतौर महासचिव पद संभालने की जिम्मेदारी दी गई। पार्टी कांग्रेस के खिलाफ थी जो उस समय अपने शिखर पर थी। ऐसे में 80 के सदन में जनसंघ ने 25 सीटें जीती जो कांग्रेस से महज 2 कम थी। सीपीआई में 8 सदस्य थे। ये आडवाणी की पहली सियासी सफलता थी। ऑर्गेनाइजर के साथ आडवाणी की 7 साल लंबी पारी अचानक 1967 में खत्म होने को आ गई। दिल्ली की राजनीति में एक नई जिम्मेदारी आ गई थी। दिल्ली को 1952 में पूर्ण राज्य का दर्जा दे दिया गया था,
लेकिन 1955 में केंद्र सरकार ने इसके पूर्ण राज्य होने के फैसले को राज्य की पुनः संगठन आयोग की सिफारिशों का हवाला ने रोक दिया, जो जनता और जनसंघ को मंजूर नहीं था, और विरोध में आडवाणी जी को सुर बुलंद करने की जिम्मेदारी दी गई। 1967 में 5 महीनों के अंतराल में दिल्ली में 3 चुनाव हुए और लगभग एक साथ लोकसभा चुनाव, मेट्रोपॉलिटन काउंसिल और नगरपालिका के चुनाव। जनसंघ ने लोकसभा में 7 में से 6 सीटें हासिल की, काउंसिल में 56 सीटों में से 33 और 100 में से 52 सीट नगरपालिका में हासिल की थी। यानी अटल आडवाणी की जोड़ी धरातल पर कमाल दिखाने लगी थी। ये उस दौर की बात है जब देश में कांग्रेस का एक छत्र राज हुआ करता था। अब वक्त आडवाणी के सियासत में सीधे उतरने का था, लिहाजा अप्रैल 1970 में इंद्र कुमार गुजराल का कार्यकाल पूरा होने पर एलके आडवाणी को जनसंघ ने राज्यसभा भेज दिया। देश की सियासत करवट बदल रही थी। फरवरी 1968 में पार्टी अध्यक्ष अटल बिहारी वाजपेयी थे। 1971 के आम चुनाव के बाद अटल बिहारी वाजपेयी ने पदमुक्त होने का सोचा, लिहाजा दिसंबर 1972 में जनसंघ के अध्यक्ष लालकृष्ण आडवाणी बन गए। इसी जगह जनसंघ का दफ्तर हुआ करता था, ये अजमेरी गेट पर अब भारतीय मजदूर संघ का दफ्तर है। मोरारजी देसाई 24 मार्च 1976 को भारत के 5वें प्रधानमंत्री बने। 2 दिन बाद कैबिनेट का शपथ ग्रहण था। आडवाणी जी जनसंघ में उन 3 लोगों में एक थे जो नई सरकार में शामिल हुए थे। जनसंघ अब खत्म हो चुकी थी और बीजेपी के नाम से नए दल की नींव पड़ चुकी थी। वो तारीख थी 5-6 अप्रैल 1980। दिल्ली के फिरोज शाह ग्राउंड में 3500 प्रतिनिधि इकट्ठे हुए और भारतीय जनता पार्टी नामक एक नए संगठन का गठन हुआ। अटल बिहारी वाजपेयी को पार्टी का पहला अध्यक्ष चुना गया, जिसके संस्थापक सदस्यों में शामिल हुए लाल कृष्ण आडवाणी। जहाँ राम का जन्म हुआ था, मंदिर वही बनाए। आप नारा लगा रहे थे कि मंदिर वही बनाए। राम जन्म स्थान के साथ हमारी जय पराजय जुड़ी हुई है। जो मंदिर के पहले विरोधी थे वो भी अब कहने लगे हैं कि अयोध्या में मंदिर तो बनना चाहिए। बाबर वहाँ आते हैं, उसके कोई सूबेदार उस मंदिर को गिरा करके मस्जिद बनाते हैं। तो ये मंदिर मस्जिद का झगड़ा नहीं, ये भारत के विजय पराजय का झगड़ा। 1980 की शुरुआत में वीएचपी ने अयोध्या में राम जन्मभूमि के स्थान पर मंदिर निर्माण के लिए आंदोलन की शुरुआत करने लगी। आडवाणी के नेतृत्व में बीजेपी राम मंदिर आंदोलन का चेहरा बन गई, जिसका स्वर्णिम सभी ने 22 जनवरी को देखा। हुई है वही जो राम रची हमारे राम आ गए। नब्बे के दशक में एक तरफ मंडल की राजनीति थी तो दूसरी तरफ अटल आडवाणी की जोड़ी ने कमल की राजनीति खड़ी कर दी। कल तक जो पार्टियां राम का नाम लेने से डरती थी, वही बीजेपी ने राम मंदिर को अपना एजेंडा बनाकर सियासत में नई विचारधारा की नींव रख दी। 1996 के आम चुनावों में बीजेपी सबसे बड़ी पार्टी बनी। राष्ट्रपति ने भी बीजेपी को सरकार बनाने के लिए आमंत्रण दिया, हालांकि ये सरकार लंबे समय तक नहीं चली, 13 दिन में ही गिर गई। तब जब संसद में अटल जी ने भाषण दिया तो वो ऐतिहासिक हो गया। बीजेपी के नेतृत्व में, अटल बिहारी वाजपेयी के नेतृत्व में 13 दिन की, फिर 13 महीने की और फिर पूर्णकालिक सरकारें आई। इसने बीजेपी को राष्ट्रीय फलक पर स्थापित कर दिया और निश्चित रूप से लाल कृष्ण आडवाणी को इसका श्रेय जाता है। राम मंदिर आंदोलन के लिए की गई आडवाणी की मेहनत अब रंग लाने वाली थी। पूरे देश में राम नाम की लहर दौड़ चुकी थी। 1999 में 13वें लोकसभा चुनाव देश के इतिहास में ऐतिहासिक साबित हुआ, क्योंकि ऐसा पहली बार हो रहा था
कि संयुक्त मोर्चे की पार्टियों को पूर्ण बहुमत हासिल हुआ था और एक स्थायी सरकार ने 5 साल का अपना कार्यकाल पूरा किया था। इस सरकार का नेतृत्व अटल जी ने किया था और लाल कृष्ण आडवाणी देश के गृह मंत्री थे। उस दौर में एनडीए सरकार ऐसी एकलौती गैर कांग्रेसी सरकार थी जिसने 5 साल का कार्यकाल पूरा किया। इसके पीछे भी अटल जी की रणनीति और आडवाणी जी की मेहनत बताई जाती है, इसलिए बाद में लाल कृष्ण आडवाणी देश के उप प्रधानमंत्री भी बने। 2004 में बीजेपी की हार के बाद अटल जी ने सक्रिय राजनीति से संन्यास ले लिया और अब सारा दारोमदार आडवाणी के कंधों पर था। वो 2004 और 2009 में लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष रहते हुए काला धन और करप्शन जैसे मुद्दों को जमकर उठाया, जिसने भविष्य में बीजेपी के विजय की नींव तैयार की। बीजेपी के 25 वर्ष पूरे होने पर 2005 दिसंबर में आडवाणी ने पार्टी अध्यक्ष के पद से इस्तीफा दे दिया। उनकी जगह संभाली राजनाथ सिंह ने। 10 दिसंबर 2007 को बीजेपी पार्लियामेंट्री बोर्ड ने औपचारिक तौर पर ऐलान किया कि 2009 के आम चुनाव के लिए लाल कृष्ण आडवाणी ही प्रधानमंत्री पद के उम्मीदवार होंगे। हालांकि नतीजे खिलाफ गए और आडवाणी ने 15वीं लोकसभा के लिए सुषमा स्वराज को नेता प्रतिपक्ष बनाया। 2009 से 2014 के बीच हिंदुस्तान की सियासत तेजी से करवट बदलने लगी। एक तरफ करप्शन से घिरी कांग्रेस थी तो दूसरी तरफ चिंगारी की तरह फैलता अन्ना आंदोलन। आडवाणी तब भी सड़क पर संघर्ष कर रहे थे, लेकिन उन्हें पता था कि अब वक्त किसी नए नेता को बागडोर सौंपने की है। फिर 2013 में वो घड़ी सामने आई जब खुद आडवाणी ने नरेंद्र मोदी को बीजेपी का पीएम कैंडिडेट घोषित कर ऐतिहासिक फैसला लिया। और मुझे लगता है कि आज मेरे लिए भी गर्व की बात है, गुजरात के लिए तो गर्व की बात है ही, इस पार्टी ने कि नरेंद्र भाई मोदी को नरेंद्र भाई के माध्यम से जो अभियान चला है और जिस अभियान के परिणाम अभी 2 दिन पहले आए हैं और जिन परिणामों के फलस्वरूप ही हम आज का ये कार्यक्रम करके और उनको एक महत्वपूर्ण जवाबदारी सौंप रहे हैं, ये सारे के सारे ऐतिहासिक बन रहे हैं। 2014 के लोकसभा चुनाव में लाल कृष्ण आडवाणी मार्गदर्शक की भूमिका में थे। जब नतीजे आए तो 37 साल पुरानी अटल आडवाणी की बनाई पार्टी ने इतिहास रच दिया था। पहली बार बीजेपी पूर्ण बहुमत में थी। जीत के नायक थे नरेंद्र मोदी, लेकिन महाविजय के बाद भी मोदी की महानता देखिए, उन्होंने अपने सीनियर लीडर आडवाणी को तब भी नहीं भुलाया। 96 साल के लाल कृष्ण आडवाणी अब भारत रत्न से नवाजे जा चुके हैं। ये तो वो सम्मान है जो दुनियावी है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी उनका कितना सम्मान करते हैं, इसकी तस्वीरें अक्सर देखने को मिलती रहती हैं। चाहे बर्थडे हो या कोई दूसरा मौका, पीएम मोदी अक्सर अपने इस सीनियर नेता और सियासत के पुरोधा लाल कृष्ण आडवाणी के घर पर उनसे मुलाकात करते नजर आ जाते हैं। बताते हैं कि बीजेपी और मोदी के लिए आडवाणी कितने इम्पोर्टेंट हैं, और ये भी बताता है कि पीएम मोदी और बीजेपी अपने सीनियर लीडर्स को सम्मान देना बखूबी जानते हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज 18। और अब बात जननायक कर्पूरी ठाकुर की। बीजेपी के एकदम विपरीत विचारधारा, खाटी समाजवादी, पिछड़ों किसानों के मसीहा कहे जाने वाले कर्पूरी ठाकुर को बीजेपी सरकार ने भारत रत्न दिया, जो इस बात का सबूत है कि प्रधानमंत्री मोदी के लिए विचारधारा कभी बैरियर नहीं, बल्कि किसी भी विचारधारा से जुड़ी शख्सियत ने अगर समाज के लिए कुछ किया तो उससे मोदी उन्हें सम्मानित जरूर करेंगे। सामाजिक न्याय का पुरोधा, समाजवाद का वो वट वृक्ष जिसने बिहार के वंचित तबके को
इंसाफ की छांव दी, छोटे किसानों को मालगुजारी से आजादी दी, ईमानदारी ऐसी कि जिंदगी भर बड़े पदों पर रहते हुए भी विरासत में नाम के सिवा कुछ न छोड़ गए। देश में तमाम सरकारें आई गई, केंद्र में सत्ता बदलती रही, लेकिन इस जननायक को सम्मानित करने का फैसला किसी ने नहीं किया। शायद वोट बैंक के लिए, शायद सियासी उपेक्षा के लिए, शायद कोई और कारण रहा हो, लेकिन प्रधानमंत्री मोदी ने कर्पूरी ठाकुर को मरणोपरांत सर्वोच्च नागरिक सम्मान देकर साबित कर दिया कि उनके लिए विचारधारा विरोध का मुद्दा नहीं। जननायक कर्पूरी ठाकुर जी को भारत रत्न देने का, आज की युवा पीढ़ी के लिए कर्पूरी ठाकुर जी के बारे में जानना, उनके जीवन से सीखना बहुत जरूरी है। रिक्शे पर चलने वाला जननायक कैसे बन सकता है, इसका शोध सब्जेक्ट है कर्पूरी ठाकुर। सत्ता के शीर्ष पर रहते हुए भी कैसे ईमानदार रहा जा सकता है, इसका उदाहरण है कर्पूरी ठाकुर। कर्पूरी ठाकुर जी ने यह साहसिक फैसला लिया किसानों के हित में कि जो जमीन गैर लाभकारी होगी उस पर किसान मालगुजारी टैक्स नहीं देंगे। शायद किसानों के हित में पहला साहसिक फैसला बिहार के सियासत में लिया गया था। 24 जनवरी 1924 को बिहार के समस्तीपुर में जन्मे कर्पूरी ठाकुर नाई समाज से आते थे, जो अति पिछड़ा वर्ग में आती है। कर्पूरी ठाकुर बिहार में एक बार डिप्टी सीएम बने, दो बार मुख्यमंत्री और कई बार विधायक और विपक्ष के नेता रहे हैं। 1952 में सोशलिस्ट पार्टी के टिकट पर ताजपुर सीट से पहला विधानसभा चुनाव जीता था। इसके बाद से वो कोई भी विधानसभा चुनाव हारे नहीं। कर्पूरी ठाकुर की सियासत की असली शुरुआत तो वैसे तो 1952 में ही हो गई थी, जब वो विधायक बने थे पहली बार, और 9 राज्यों में गैर कांग्रेसी सरकार बनी, उसमें से एक बिहार था। उस सरकार में कर्पूरी ठाकुर पहली बार मुख्यमंत्री बनते हैं, वहां से एक तरह से कहिए उनकी सियासत की शुरुआत होती है सत्ता में आकर के। जो डॉक्टर राम मनोहर लोहिया नारा दिया करते थे कि आप पिछड़ा पावे 100 में 60, तो उसका जो एक तरह से रियलाइज किया उस ड्रीम को कर्पूरी ठाकुर ने किया। 1977 में जब वो दूसरी बार मुख्यमंत्री बने, तब उन्होंने राज्य की सरकारी नौकरियों में पिछड़ों के लिए आरक्षण लागू कर दिया। कर्पूरी ठाकुर ने मुंगेरी लाल कमीशन की सिफारिश पर नौकरियों में पिछड़ों के लिए 27% आरक्षण की व्यवस्था लागू की, जो उस वक्त एक बहुत बड़ा सियासी फैसला था। बड़ा साहसिक फैसला था। मंडल से 1.5 दशक पहले इन्होंने ओबीसी के लिए यह फैसला लिया था, और मुंगेरी लाल कमीशन की जब रिपोर्ट आई तो उस रिपोर्ट को इन्होंने अमली जामा पहनाया। उन्होंने कहा कि भाई 128 जातियों को चिन्हित किया गया था, और 128 जातियों में इन्होंने कहा कि इसमें से बड़ी जातियां जो 93-94 जातियां हैं वो अति पिछड़ा से आता है, तो ओबीसी को इन्होंने 12% दिया, लेकिन 8% एक्सट्रीमली बैकवर्ड कास्ट जिसको अति पिछड़ा कहा जाता है उनको भी आरक्षण इन्होंने दिया। बिहार के इतने बड़े नेता और जननायक होने के बावजूद कर्पूरी ठाकुर सादगी की मिसाल थे। उनकी सादगी का एक किस्सा बड़ा मशहूर है। 1952 में कर्पूरी ठाकुर पहली बार विधायक बने थे। उन्हीं दिनों उनका ऑस्ट्रिया जाने वाले एक प्रतिनिधि मंडल में चयन हुआ था। उनके पास कोट नहीं था तो एक दोस्त से कोट मांगा, वो भी फटा हुआ था। खैर, कर्पूरी ठाकुर वही कोट पहनकर चले गए, लेकिन जब युगोस्लाविया के शासक मार्शल टीटी ने देखा कि कर्पूरी जी का कोट फटा हुआ है तो उन्हें नया कोट गिफ्ट किया। जरा सोचिए, इतने ईमानदार और सादगी पसंद नेता की क्या आज के दौर में कल्पना भी की जा सकती है। यही वजह है कि कर्पूरी ठाकुर को सर्वोच्च सम्मान से नवाजा गया। वो अलग बात है कि इससे पहले की सरकारों ने इस जननायक की ओर कभी ध्यान नहीं दिया। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18। व्यक्ति विशेष में आज इतना ही। एक ब्रेक के लिए रुकते हैं, खबरों का सिलसिला जारी है।